देखो ये पायरोल के स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो भी पॉइंट आप लोगों को बताए वो लिखना है, और इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बताया, और इसकी ये जो एरोमेटिसिटी है, एमओडी डायग्राम है, वो किस तरीके से बनाते हैं, वो सब आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, कंपेरिजन। थायोफिन पूरा हो चुका, पायरोल पूरा हो चुका, और फ्यूरेन पूरा हो चुका, ठीक है। अब देखो कंपेरेटिव स्टडी। देखो मैं ये लिख देती हूँ, कंपेरिजन इन बिटवीन थायोफिन फ्यूरेन एंड पायरोल, ठीक है। देखो देखो तीनों को बना रही हूँ, पहले तो मैं ये बना लिया पायरोल, ठीक है, ये बना लिया फ्यूरेन, है ना, और ये बना लिया थायोफिन, थायोफिन फ्यूरेन, और ये क्या बनाया, पायरोल। बात समझ में, क्लियर। थायोफिन फ्यूरेन और पायरोल ये बनाया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन क्या बोलते हैं, थायफिन फ्यूरिन पायरोल सभी क्या हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी चीज़, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़, हकल रूल को भी फॉलो करते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों ही एरोमेटिक नेचर के होते हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है, एरोमेटिक नेचर के होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं पहला पॉइंट लिखूँ, पायरोल फ्यूरेन व थायोफिन, पायरोल फ्यूरेन व थायोफिन तीनों साइक्लिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग व हकल के नियम का पालन करते हैं, अतः ये एरोमेटिक नेचर के होते हैं। क्लियर, ये चीज़, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, तो इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, ऑर्डर देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी बनी, थायफिन की। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी, थायफिन की। तो एरोमेटिसिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थायफिन की होगी, समझ में, क्लियर ही चीज़। उसके बाद में बताओ रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा, फ्यूरेन की, समझ में आ रही है, फिर किसकी ज़्यादा, पायरोल की, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो एरोमेटिसिटी होती है वो सबसे इसके बाद में किसकी होती है, पायरोल की और फ्यूरेन की सबसे कम एरोमेटिसिटी होती है। बोलते एरोमेटिकता की बात करें तो फ्यूरेन की सबसे कम होती है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनमें से देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता है, इसके पास दो है, दो में से एक करता है। मुझे एक बात, तो जितना ज़्यादा इनमें डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी, है ना। पहली बात तो ये डीलोकलाइजेशन का मतलब बताओ इनका इलेक्ट्रॉन देना हुआ क्या, बताओ ये इनकी देने की जितनी टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी। अब नाइट्रोजन की टेंडेंसी ऑक्सीजन की कंपेरिजन में देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है ना। जबकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए नहीं देगा, नहीं दिया तो बताओ ज़्यादा डीलोकलाइजेशन भी नहीं हुआ, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ तो इसकी एरोमेटिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर की ये बात। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर कैसा होता है, सबसे ज़्यादा थायफिन की होती है, फिर पायरोल की होती है, और फिर
फ्यूरेन की होती है, क्लियर किया ये वाली बात, ठीक है इतना। दूसरा मुझे एक बात बताओ, अपन क्या पढ़ते हैं? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है, मैंने क्या लिखा, एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्लियर क्या? ठीक है, तो अतः मैं लिखूं इनकी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो यही हो जाएगा, रिएक्टिविटी का क्रम क्रम ऑर्डर। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा एरोमेटिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, तो बताओ स्टेबिलिटी तो सबसे कम फ्यूरेन की है, मतलब फ्यूरेन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता कौन है? पायरोल, फिर फ्यूरेन, ठीक है, उसके बाद में थायोफिन। क्योंकि अब इसका भी कारण देखो, ऊपर वाले का कारण समझ में है ना आप लोगों को, नीचे वाले का कारण भी समझो। देखो नीचे वाले में भी वही कारण, वही क्या कारण कि ये क्या बना दे, सॉरी थायोफिन बनाना है ना, ये थायोफिन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर क्या? इसकी तो अपवाद स्वरूप ज़्यादा, क्योंकि 3D वेकेंट ऑर्बिटल है ना, सल्फर में, थायोफिन के सल्फर में क्या होता है, 3D वेकेंट, वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, क्या रहते हैं, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, क्लियर ये चीज़। अब यहाँ पे तो वेकेंट 3D ऑर्बिटल हो गया पहली चीज़। वैसे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, मतलब देना तो इसे चाहिए था, रिएक्टिविटी तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल को भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है, तो जिस भी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो क्या होएगा, ये उन्हें इन्वॉल्व करेगा तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, क्लियर। और मैं कहूँ रिएक्टिविटी कम, क्लियर। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं, इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान ज़्यादा होता है फिर भी, सॉरी इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान ज़्यादा होता है फिर भी इसकी रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बता दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हैज़ अ लेस टेंडेंसी टू गेन ए पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो मेरी बात, बताओ लेस टेंडेंसी रखेगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दिया तो रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगी, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन से कम है, इसलिए ये क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले सकता है, क्लियर क्या? तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पायरोल की रिएक्टिविटी होगी, फिर फ्यूरेन की होगी, फिर थायोफिन की होगी। समझ में मेरी बात है? ठीक है, देखो देखो लिखूँ मैं यहाँ पे, पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान फ्यूरेन के ऑक्सीजन परमाणु से, फ्यूरेन के ऑक्सीजन परमाणु से बहुत कम होता है ना, फ्यूरेन के ऑक्सीजन परमाणु से बहुत कम होता है, अतः कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण पायरोल का नाइट्रोजन आसानी से
इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है ना, जबकि फ्यूरेन का ऑक्सीजन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता है, अतः फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पायरोल से कम होती है। समझ में है क्या? देखो मैंने क्या लिखा, पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान फ्यूरेन के ऑक्सीजन परमाणु की से विद्युत ऋणात्मकता से बहुत कम होता है, अतः कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण पायरोल का नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, जबकि फ्यूरेन का ऑक्सीजन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता है, अतः फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पायरोल से कम होती है। क्लियर क्या? ठीक है। जबकि थायोफिन की बात करें तो थायोफिन में तो क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण, है ना, लिखूं मैं यहाँ पे, जबकि थायोफिन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यह अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, अतः इसके एरोमेटिक निर्माण करता है और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, अतः थायोफिन की एरोमेटिसिटी फ्यूरेन व पायरोल से अधिक व रिएक्टिविटी पायरोल व फ्यूरेन से कम होती है। समझ में आई क्या मेरी बात है? ठीक है, क्या लिखा मैंने, जबकि थायोफिन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यह अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है,
अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और थायोफिन की से थायोफिन की एरोमेटिसिटी फ्यूरेन और पायरोल की कंपेरिजन में अधिक और थायोफिन की रिएक्टिविटी पायरोल फ्यूरेन से क्या होगी, कम होगी। क्लियर, क्या बात समझ में? इनकी एरोमेटिसिटी में किस तरीके से अंतर पाया जाता है, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है और उसके कारण ही क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी में अंतर पाया जाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है, अब देखो थायोफिन की जो दूसरी चीज़ देखें, इनकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है ना, तो रेजोनेंस एनर्जी देखना इधर, देखो थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, 107 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी का मान कितना होता है, 107 किलो जूल मोल इनवर्स। फिर पायरोल की का कितना होता है, 87 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। फिर फ्यूरेन की देखो सबसे कम होती है, 71 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर भी इनका इस तरीके सा होता है। क्लियर क्या? तो इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर भी यही होएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होएगा, थायोफिन, फिर पायरोल और सबसे कम होएगा फ्यूरेन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो आप लोग इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो ना कि सभी में है ना। अगर मैं इन सब की बात करूँ तो इनको एक इस स्ट्रक्चर से शो करूँ तो ऐसे लिख दूँ क्या, ये एक्स है ना, और एक्स यहाँ पे क्या है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और इसके ऊपर ये देखो एक लोन पेयर दिखा रही हूँ, बाकी है तो वो दिखा देना। समझ में आ रही है? मतलब सल्फर ऑक्सीजन होगा तो एक और होएगा ना, तो उनको मैं वो लोकलाइज लोन पेयर है, उनको मैं नहीं दिखा रही। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से रेजोनेंस इलोन करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, इसकी बना सकते हो ना, अब तो 5-6 बार मैंने बना के बता दिया आप लोगों को, इस तरीके से बनाओगे। अब जो ये मॉलिक्यूल होता है, वो तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, उसमें हर एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, बताओ sp2 हाइब्रिडाइज होएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। समझ रहे हो, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, तो मॉलिक्यूल सिस्टम कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, अब हर कार्बन एटम और हेट्रो एटम है उसके ऊपर क्या रहेगा, वेकेंट सॉरी अनहाइब्रिड पीजेड ऑर्बिटल रहेगा। अब कार्बन का जो अनहाइब्रिड पीजेड ऑर्बिटल है वो एडजेसेंट कार्बन वाले से क्या करेगा, कोलेटरल ओवरलैपिंग करेगा, और कोलेटरल ओवरलैपिंग से किसका निर्माण करेगा, पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। समझ में आ रही? और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे, तो जब भी सेक्सटेट बनेगा तो उस सेक्सटेट में जो ऊपर वाली रिंग बनेगी, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग जो बनेगी, उसमें ये इन्वॉल्व रहेगा इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक नीचे की साइड रहेगी, लोब ऐसा रहती है ना पी ऑर्बिटल की, तो एक सेक्सटेट नीचे की साइड बनेगा, तो एक पाई लोब ऊपर की साइड बनेगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और एक नीचे की साइड बनेगी। बात ये भी समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर ये चीज़। इस कारण क्या होते हैं, ये सभी के सभी, बोल तो सभी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना देके कैसे रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक नेचर के होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंडों की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो मैं यहाँ पर लिख दूँ, ऑल स्पीसीज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। ऑल स्पीसीज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, नॉट एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर,
देखो मैंने क्या लिखा, सो ऑल स्पीसीज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंडों की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर क्या ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता है, रेजोनेंस बोल तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए देता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो जो फिनोल है, एमीन है, वो भी क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किस में देती है, रिंग में देती है, जिससे रिंग एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर क्या, ठीक है। देखो अपने क्या चल रहा था, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पायरोल फ्यूरेन और थायोफिन, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में चल रही थी ना ये वाली चीज, ठीक है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पायरोल फ्यूरेन और थायोफिन, ठीक है, उसमें थोड़ा तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब उसके आगे का देखते हैं, ये आप लोगों की यूनिट कौन सी चल रही है, सेकेंड, और पेपर भी कौन सा चल रहा है, सेकेंड ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ थायोफिन फ्यूरेन और पायरोल, ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ थायोफिन फ्यूरेन और पायरोल, ठीक है। देखो कल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, थायोफिन की होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, थायोफिन की होगी, फिर किसकी होगी, फ्यूरेन की, फिर पायरोल की, ठीक है। ये पढ़ी थी ना इससे पहले अपन, जो एरोमेटिसिटी है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थायोफिन की, फ्यूरेन की और फिर पायरोल की होगी, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी, है ना, किसका ऑर्डर है ये, एरोमेटिसिटी का, या मैं कहूँ ये ऑर्डर किसका है, स्टेबिलिटी का, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हो, समझ में आ रही। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पायरोल, समझ में मेरी बात है, ठीक है। फिर कौन होता है, जो इनकी उसकी एनर्जी का मान है, रेजोनेंस एनर्जी, वो फ्यूरेन की सबसे कम होती है, ये पायरोल सेकंड नंबर पे होता है, पायरोल और ये फ्यूरेन, ठीक है। अब देखो जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पायरोल की, फिर किसकी होगी, फ्यूरेन की, फिर किसकी होगी, थायोफिन की, समझ रहे मेरी बात, पायरोल फिर फ्यूरेन फिर थायोफिन, क्लियर क्या, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का, किसका ऑर्डर है ये, रिएक्टिविटी का, आई क्या बात समझ में, ठीक है। रिएक्टिविटी को अपन इस तरीके से लिखते हैं, पायरोल की, फ्यूरेन की और थायोफिन की। मैंने आप लोगों को इसका रीज़न भी बताया था इससे पहले, बताया था ना कि ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इस कारण क्या होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जबकि फ्यूरेन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को बताया, क्लियर। अब देखो ये तो बात हुई इनकी एरोमेटिसिटी की, और इसका रीज़न क्या होता है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्लियर क्या। अब देखो अपन क्या करते हैं कि ये जो पायरोल फ्यूरेन थायोफिन होते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है फाइव मेंबर्ड, ये क्या करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली क्या करते हैं, ये भी एरोमेटिसिटी के लिए अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में देते हैं, रिंग में देते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो अपन एल्कोहल पढ़ते हैं, जो अपन एनिलीन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें भी तो एरोमेटिसिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, तो वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, ये भी रिंग को एक्टिवेट करते हैं, समझ रहे हो, तो वो भी उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे तो रिंग एक्टिवेट हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं आसानी से। तो मुझे एक बात बताओ, उसमें तो आएगा बाहर से, मतलब बाहर वाला कोई रिंग से एटम जुड़ा हुआ होएगा,
और इसमें का आएगा जो रिंग में एटम है, समझ में आ रही? तो मुझे बता इन ये रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू एल्कोहल, फिनोल और जो भी है बेंजीन, क्लियर क्या? तो इसकी इनकी रिएक्टिविटी उन यौगिकों की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। दूसरी, इनकी एरोमेटिसिटी भी एल्कोहल और जो फिनोल और एमीन होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। इस कारण इन यौगिकों को क्या कहा जाता है? सुपर एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, देखो इधर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, जैसे लिखूं थायोफिन, फ्यूरेन व पायरोल। पायरोल में उपस्थित सल्फर, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, या मैं कहूँ डीलोकलाइजेशन, है ना, रिंग की जगह में यूज लो डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एनिलीन व फिनोल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में करते हैं, है ना? देखते हैं किस तरीके से। ठीक उसी प्रकार जैसे एनिलीन फिनोल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में करते हैं, अतः एनिलीन व फिनोल की अपेक्षा इन इन यौगिकों की एरोमेटिसिटी व रिएक्टिविटी, है ना? क्या बोला? ये भी क्या करेंगे, एनिलीन और फिनोल जैसे देते हैं वैसे ये भी देंगे। तो ये तो रिंग में डायरेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे एक बात तो इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिसिटी वहाँ की बढ़ जाएगी, तो इनकी एरोमेटिसिटी व रिएक्टिविटी दोनों ही अधिक होती हैं, अतः इन यौगिकों को सुपर एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को क्या कहते हैं? सुपर एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, क्लियर क्या? आप लोगों से पूछे थायोफिन, फ्यूरेन और पायरोल को सुपर एरोमेटिक यौगिक क्यों कहते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब के सब क्या देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? सब के सब क्या देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? देखते हैं, देखो इधर, जैसे मैं एनिलीन की बात करूं, है ना, ये लिखा मैंने एनिलीन और ये ऐसे लिखा, ठीक है, क्या है ये? एनिलीन, समझ में है आप लोगों को बात है? ठीक है, अब देखो कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया, है ना, अब देखो ये इधर से ये ऐसे ट्रांसफ़र करेगा तो ये बॉन्ड पे इधर आया, समझ रहे मेरी बात? इसने इस पर अटैक करा, देखना ज़रा, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये ऐसे, ये H और ये इस तरीके से, समझ
समझे मेरी बात है, ठीक है? अब देखो क्या होएगा, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में टूटा और ये बाहर गया, तो ये H प्लस ऐसे और ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म और ये बॉन्ड वापस बना और ये इलेक्ट्रोफाइल। आई क्या बात समझ में? फिनोल को देखते हैं, ये फिनोल है ठीक, और ये दो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब देखो ये क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल लिया, ये इधर से इधर अटैक करा और ये इस पर अटैक करा, ये इधर आएगा तो इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो देखो इसको इस तरीके से लिख दूँ, ये ऐसे कैसे लिखूँ, ये ऐसे लिखूँ, ये ओ एच, ये प्लस, ये एच और ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? ये इधर से इधर मूव करा, ये इधर, ठीक है? तो ये ओ एच और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये एच प्लस। आई क्या बात समझ में? ये फिनोल की रिएक्शन हुई है ना। ऐसे देखो इन हेट्रो एटम की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, X लिख रही हो ना, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये S है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? देखो ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, तो इसका अटैक इस पर हुआ है ना। तो इसको लिखूँ मैं इस तरीके से, ये X, ये बॉन्ड बना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये इलेक्ट्रोफाइल, समझ में इतनी चीज़। अब देखो ये वापस इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर, क्या बना, X, ठीक है? ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर? क्या देखो सेम तरीके की रिएक्शन देते हैं लेकिन इनकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्कोहल फिनोल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, सुपर एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। समझ में मेरी बात, ठीक है? ये इनमें फर्स्ट चीज़ इनके कंपेरिजन की है, ठीक है? दूसरा चीज़ देखो, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट रीज़न जो भी बताए वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? और जो भी रीजनिंग बने, कैसे क्या ऑर्डर होता है, कैसे नहीं होता, वो चीज़, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या है, अपन थायफिन, फ्यूरेन और पायरोल की कंपेरेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखो अब देखो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, उसमें याद करना, जो मैलिक एनहाइड्रेट दिया था है ना, उसमें फ्यूरेन डिलसेल्ड्राबिक्रिया दे रहा था ना, डिलसेल्ड्राबिक्रिया, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी कम होती है और जिन यौगिकों की एरोमेटिसिटी कम होती है वो डाइन के जैसे व्यवहार कर लेते हैं, ठीक है? डिलसेल्ड्राबिक्रिया देता है, उसके साथ एडिशन रिएक्शन देता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है? जबकि जो पायरोल है वो डिलसेल्ड्राबिक्रिया नहीं देता लेकिन माइकल टाइप की अभिक्रिया देता है, माइकल एडिशन टाइप की अभिक्रिया देता है, ठीक है? जबकि थायफिन मैलिक एनहाइड्राइड से किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो नेक्स्ट कंपेरिजन का पॉइंट ये हो गया, तो मैं लिखूँ फ्यूरेन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ डील्स एल्डर रिएक्शन देता है, जबकि पायरोल मैलिक एनहाइड्राइड के साथ माइकल एडिशन अभिक्रिया देता है और थायोफीन थायोफिन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ कोई अभिक्रिया
नहीं करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसके बताओ, इसके कंपेरेटिव स्टडी का हो गया, माइकल एडिशन देगा पायरोल तो, फ्यूरेन देगा डील सेल रिएक्शन है ना, फॉर एन प्लस टू साइकिल एडिशन, जबकि थायफिन इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देता है। क्लियर क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्यूरेन और जो पायरोल है, समझ रही हो, जो फ्यूरेन और पायरोल होते हैं है ना, आसानी से अपचयित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जबकि थायोफिन नहीं होता। ठीक है, रिडक्शन पढ़े हो आप लोग इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, पायरोल व फ्यूरेन का रिडक्शन आसानी से हो जाता है ना। मैंने क्या लिखा, पायरोल और फ्यूरेन का रिडक्शन आसानी से हो जाता है, जबकि थायोफिन का कठिनाई से होता है, आसानी से नहीं होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जबकि थायोफिन का रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, फ्यूरेन थायोफिन का रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, पायरोल और फ्यूरेन का रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन थायोफिन का रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो अब इसके बाद में, क्लियर, तीसरा चौथा पॉइंट है ना ये। देखो क्या होता है कि जलीय जो खनिज एसिड होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, फ्यूरेन शीघ्रता से वो लगीकृत हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, ठीक है। पायरोल क्या करता है, पहले सॉल्ट का निर्माण करता है, फिर क्या होएगा, पॉलीमराइज होएगा, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है, जबकि थायोफिन इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, फ्यूरेन इनऑर्गेनिक एसिड की उपस्थिति में आसानी से पॉलीमराइज हो जाता है, जबकि पायरोल पहले सॉल्ट का निर्माण करता है, देन तथा बाद में पॉलीमराइज्ड होता है ना। पढ़े थे ये वाली रिएक्शन, जैसे पढ़े थे ना HNO3 की रिएक्शन, H2SO4 की रिएक्शन, तो ये वाली चीज़ है, पॉलीमराइज हो जाता है, जबकि थायोफिन इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देता है ना। थायोफिन इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देता है। देखो मैंने क्या कहा, फ्यूरेन जो है इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में आसानी से बहुलकीकृत हो जाता है, ठीक है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है, जबकि पायरोल है पहले तो सॉल्ट बनाएगा फिर पॉलीमराइज होएगा, जबकि थायोफिन ना तो सॉल्ट बनाता है ना ही पॉलीमराइज होता है, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर, ये क्या हुआ इसकी नेक्स्ट कंपैरिजन का पॉइंट है। कंपैरिजन किस किस के बीच में चल रही है, थायोफिन फ्यूरेन और पायरोल, समझ में आ रही,
और देखो वही चीज़ें लिखनी है जो आप लोगों ने रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। क्लियर ही चीज़, ठीक है। अब देखो जो पायरोथाइफिन फ्यूरेन है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, हेलोजनों के प्रति इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे फ्यूरेन है उसका हेलोजनेशन बहुत फास्टली हो जाता है, समझ आ रहे हो, आसानी से हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि नॉर्मली क्या है, अपन सीधे ही उसका हेलोजनेशन कर सकते हैं फ्यूरेन का, ठीक है, हेलोजन से सीधे रिएक्शन कराई और फ्यूरेन हेलो डेरिवेटिव का निर्माण हो जाता है, जबकि पायरोल जो है पायरोल आसानी से नहीं बनाता है। क्लियर क्या, ठीक, समझ में आ रही मेरी बात है। कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है फ्यूरेन के लिए तो, और पायरोल में क्या होता है कि क्लियरली वो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का निर्माण कर लेता है, समझे मेरी बात है, ठीक है। जबकि थाइफिन क्या है, या तो एक हेलोजन एटम उसके साथ जुड़ पाता है या फिर दो हेलोजन एटम उसके साथ जुड़ पाते हैं, इससे ज़्यादा हेलोजन बोल तो पोली हेलो कंपाउंड का निर्माण, डेरिवेटिव का निर्माण थाइफिन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट कंपेरिजन का पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ फ्यूरेन हेलोजिनेशन रिएक्शन द्वारा हेलोजिनेटेड फ्यूरेन का निर्माण करता है, है ना। फ्यूरेन क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन द्वारा हेलोजिनेटेड फ्यूरेन का निर्माण करता है, ठीक है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है, है ना, तीव्रता से होती है, आसानी से क्या हो जाता है, हेलोफ्यूरेन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। देखना पायरोल के बारे में, पायरोल हेलोजिनेशन रिएक्शन द्वारा टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का निर्माण करता है, है ना, जबकि थायोफीन मोनो या डाई हेलो, थायोफीन डेरिवेटिव का निर्माण करता है, ठीक है। जबकि थाइफिन क्या होता है, मोनो या डाई हेलो थाइफिन डेरिवेटिव का निर्माण करता है, जबकि पायरोल क्या करता है, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का निर्माण करता है, जबकि फ्यूरेन क्या करता है, रिएक्शन तो होगी लेकिन वो बहुत फास्ट तरीके से होती है, बहुत तीव्रता से आसानी से क्या हो जाती है, रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो देखो ये क्या थी, कंपेरेटिव स्टडी थी, है ना, जो इससे पहले पढ़ाया और ये जो पढ़ाया अब, समझ रहे हो, इन सब को मिला के ये क्या है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ थायफिन पायरोल और फ्यूरेन, ठीक है। देखो या तो इसमें से देखो रीजनिंग बनती है, मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, आप किस तरीके से बता सकते हो कि ये रिएक्शन करा, क्यों रिएक्शन करा, इसकी एरोमेटिसिटी से ज़्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी से कम होती है, ठीक है, या इनकी रिएक्टिविटी या रेजोनेंस एनर्जी का मान ये होता है, इनकी स्टेबिलिटी का मान ये होता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो वो एक तो क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जाता है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, डू द कंपेरेटिव स्टडी इन बिटवीन थायोफिन फ्यूरेन एंड पायरोल, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो उस तरीके से दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को आंसर लिखना बताया है, क्लियर क्या। तो ये थायोफिन फ्यूरेन और पायरोल, मतलब जो 5 मेंबर्ड कंपाउंड स्टार्ट करते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो पूरे हो चुके हैं,
उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी हो चुकी है, और अब जो ये लास्ट था उनकी कंपेरेटिव स्टडी वो पूरी हो चुकी है, और साथ के साथ हर कंपाउंड किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है स्पेसिफिक टुवार्ड्स बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की तरफ किस तरीके की नेचर होती है, वो सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हैं आप लोगों के 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और उसके बाद में आएंगे फ्यूज्ड, तो फिर पढ़ेंगे पहले तो 6 मेंबर वाले और फिर पढ़ेंगे फ्यूज सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।